नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 अगस्त 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, फिलहाल आप लोग अफवाहों से सावधान रहिए। बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, मीडिया ने नहीं उठाई बीएड छात्रों की आवाज। जी हां दोस्तों, ये छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे काफी, मतलब बड़ी संख्या में, कि क्या मीडिया ने 200 छात्रों की आवाज को नहीं उठाया। उसके बाद बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को होगी या नहीं। सीधा सा दोस्तों क्वेश्चन है कि आपका पेपर 9 तारीख को हो पाएगा या रद्द होगा। एक और अपडेट दे दोस्तों, इस समय की एक और अपडेट आ रही थी कि बीएड से कि प्रवेश पत्र के साथ आने जाने की आपको मिलेगी छूट। जी हाँ दोस्तों, 9 तारीख को फिलहाल लॉकडाउन रहने वाला है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 परीक्षा स्थगित कराने को सीजीओ को लिखा गया पत्र। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको बता दें बीईओ का जो एग्जाम है 16 तारीख को, उस पेपर को भी कैंसिल कराने के लिए सीजे तक को पत्र लिखा गया। आपको बता दें दोस्तों, बीएड के छात्रों ने भी दोस्तों, मतलब राज्यपाल से गुहार लगाई थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए। क्या दोस्तों, जो छात्र गुहार लगाते उसका कुछ होता है कि खाली बोल दिया और बातें खत्म? तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को फिलहाल अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, मीडिया आपकी बात नहीं उठाता, लेकिन YouTube के माध्यम से दोस्तों हम आपकी बात उठाएंगे और कोशिश करेंगे दोस्तों जो भी आपकी बात है सोशल मीडिया से आगे तक पहुंचे। ठीक है, वीडियो को आप शेयर करेंगे तभी दोस्तों बात आगे तक पहुंचेगी। फिलहाल एक अपडेट और आपको दिखाना चाहते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, यूपी में क्या हेडलाइंस चल रही है आज के डेट में, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। राम मंदिर खत्म होगा परसों का इंतजार, भूमि पूजन के लिए दोस्तों अयोध्या तैयार। आज यूपी के दोस्तों हम हेडलाइंस आपको दिखा रहे हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। दूसरी दोस्तों यूपी के हेडलाइंस, फिर अयोध्या में आस्था का नया सूर्योदय, ठीक है, फिर दोस्तों अयोध्या की बात हो रही है, फिर राम मंदिर। मतलब दोस्तों आपने देखा यूपी के दोस्तों जो टॉप हेडलाइंस है आज की डेट की, कहीं पर भी बीएड मुद्दा नहीं है। जहां पर 4.5 लाख बच्चे दोस्तों तकरीबन पेपर देने निकलेंगे, कहीं पर भी दोस्तों बीएड का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। उसके बाद जो बीईओ की परीक्षा होने वाली है, खंड शिक्षा अधिकारी, जो पेपर 16 अगस्त को है, उसकी भी दोस्तों बात आप देख रहे होंगे यहाँ पर कहीं नहीं है। इसीलिए छात्र अब बिल्कुल भी, मतलब नहीं होता कि मीडिया पर भरोसा ही नहीं रह गया कि यार हमारी बात तो कोई उठा ही नहीं रहा, हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा। ठीक है, राम मंदिर दोस्तों एक अच्छा मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात करें तो बीएड छात्रों का भविष्य का, वो भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। उसके बाद दोस्तों बात होगी कि पिछले 24 घंटे में दोस्तों हुआ क्या हमारे देश में। 24 घंटे में दोस्तों 51,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए, 849 लोगों ने दम तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है कि 850 लोग करीबन इनकी जान गई है। और अब तक दोस्तों हमारे देश में टोटल 39,000 से अधिक लोगों की जान कोरोना वायरस के कारण जा चुकी है। ठीक है, इंडिया में दोस्तों टोटल मामले 19 लाख को पार हो चुके हैं। सोचिए दोस्तों, एक समय हमारे देश में कितने कम मामले थे कोरोना वायरस के, लेकिन आज की डेट में 19 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। ठीक है, टोटल दोस्तों 12 लाख से अधिक लोगों की जान बच चुकी है, रिकवर्ड हो चुके हैं। एक्टिव केसेस में बात करें 5,85,000। तो मतलब कोरोना वायरस के केसेस दोस्तों दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक है। उसके बाद भी अगर मीडिया में दोस्तों ये बात हेडलाइंस पर ना रहे तो फिर कोई अच्छी बात तो नहीं होगी। नहीं कि नहीं, आप ये सोच रहे होंगे यार कि एक दिन में जब 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी कहीं पर भी दोस्तों बीएड मुद्दा नहीं दिख रहा, वो भी यूपी के हम न्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाहर की न्यूज होती तो एक बात अलग होती कि इंडिया की हम न्यूज देख रहे हैं, वहां पर और भी मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में दोस्तों बीएड का एग्जाम भी होने वाला है कुछ दिन बाद। देखिए, मेन मुद्दा यह था कि क्या व्यवस्था है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खाली अपडेट में ये तो लिख के आ जाता है कि आपको 9 तारीख को जो आपका पेपर होगा उसमें दोस्तों छात्रों को यातायात में, जैसे टेम्पो, टैक्सी, सरकारी बसें, ठीक है, 8 और 9 अगस्त को सामान्य ढंग से चलेंगे। लेकिन दोस्तों उसके सैनिटाइजेशन कैसे की जा रही है बसों का, दोस्तों वो भी मीडिया को जाकर दिखाना चाहिए था। कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा कि एक इनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, कानपुर की अपडेट, कितनी ज़्यादा दोस्तों उसको हेडलाइंस बनाई गई। जी हाँ दोस्तों, सभी न्यूज़ चैनल पर कि गाड़ी का कैसे पीछा किया गया, कैसे क्या हुआ, सब कुछ दिखाया गया। लेकिन यहाँ पर यह भी दिखाया जाता कि हाँ, बस में दोस्तों कैसे सैनिटाइजेशन किया जाएगा, कैसे छात्र आ जा सकेंगे, उससे फायदा ये मिलता छात्रों को ताकि वो मानसिक रूप से दोस्तों पेपर के लिए तैयार हो सकते थे। ठीक है, तो मीडियम दोस्तों ये बात दिखाई जानी बहुत ही जरूरी है। बाकी दोस्तों जो भी होगा अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे।
फिलहाल देखते हैं क्या होता है। देखिए, छात्रों ने फिलहाल अपने स्तर पर पूरी कोशिश की है कि परीक्षा रद्द हो, स्थगित हो, पोस्टपोन हो, जो भी होना हो जाए। और छात्रों की एक और बात थी दोस्तों जो कि सोशल मीडिया पर कम उठाई गई, छात्रों का कहना यह था कि जो आपका एडमिशन है इसको दोस्तों मेरिट बेस किया जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात है, बहुत से छात्रों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, बहुत से छात्रों को सरकारी कॉलेज मिलेगा, तो ये बातें थी और कुछ है नहीं ज़्यादा। और आपके पास इस समय बीएड का कोई विकल्प नहीं बचा। अगर दोस्तों डीएलएड में भी वही फैसिलिटीज मिलती जो बीएड करने के बाद मिलती है, तो सभी छात्र बीएड के मैक्सिमम छात्र एग्जाम को छोड़ भी सकते थे, लेकिन इस समय आप अपनी परीक्षा छोड़ नहीं सकते। तो अगर आपका सेंटर घर से दूर है तो आप पहुँचने की मतलब तैयारी अभी से कर लीजिए, गाड़ी को रिजर्व करके जाने वाले हों, जैसे भी जाने वाले हों। देखिए इस समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, लॉकडाउन के चलते दोस्तों बहुत से घरों में जो नौकरियां थी वो खत्म हो चुकी हैं, प्राइवेट हो या सरकारी। सरकारी वाले तो बचे हैं लेकिन प्राइवेट वालों की नौकरियां तो गई है ना, तो वो फीस कैसे पेमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दिक्कत ये भी सामने खड़ी होगी कि फीस तो कॉलेज वाले तुरंत ही मांगेंगे, तो क्या होगा। तो बहुत से मतलब इस समय ऐसे सवाल हैं कि अगर ये परीक्षा को कुछ दिन बाद और कराते तो जिससे छात्रों को पैसे देने में दिक्कत ना होती। मान लेते कि अभी 9 तारीख को आपका पेपर हो जाता है, ठीक है, ठीक है, अगर मान लेते सब कुछ ठीक रहा तो 9 अगस्त को आपका पेपर हो जाएगा, उसके कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता तब तक आप एडमिशन कैसे ले पाएंगे, ये सवाल तो खड़ा होता है ना। जबकि दोस्तों यूजीसी ने जो अंतिम समय दिया है वो 30 सितंबर तक, मतलब दोस्तों आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसका रिजल्ट मैक्सिमम जो चांस है वो अक्टूबर तक आने की उम्मीद होगी, अक्टूबर स्टार्टिंग में, अक्टूबर मिड में या एंड में, लेकिन अक्टूबर से पहले उम्मीद काफ़ी कम है। अगर आपका पेपर या करा भी लिया जाएगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा। बस दोस्त यही सब सवाल थे जो कि अगर मीडिया ठीक ठाक सरकार के सामने रखती तो हो सकता था इस पेपर पर एक बार विचार किया जाता और इस परीक्षा को बाद में कराया जाता। अगर जल्दी है दोस्तों किसी परीक्षा की तो आपको बता दें वो आपका मेन पेपर है ग्रेजुएशन का, ठीक है। जब एक बार आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बीएड का एग्जाम दोस्तों कभी भी कराया जा सकता था। खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें, जो कि दोस्तों बीएड आप जब कर लेंगे, आपका कोर्स बीएड वाला कंप्लीट होगा तो आपको मौका मिलेगा खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर देने को। अपडेट क्या है इसको देखते हैं। कोरोना के मद्देनजर कुछ प्रतियोगी छात्र खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों ने पहले यूपीएससी, ठीक है ना, यूपीपीएससी मतलब अध्यक्ष को पत्र भेजा, अब भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा की ओर से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया है। मतलब दोस्तों छात्र जितना भी मतलब हो सकता है सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा अभी ना हो, क्योंकि देखिए समय पेपर होने से नुकसान सबसे बड़ा ये कि छात्र मानसिक तौर से ही मतलब तैयार नहीं है। मानसिक तौर पर अगर आप एक बार तैयार होते ना कि आपको पता हो यार ठीक है, अभी कन्फ्यूजन क्या आज की डेट में कि पेपर होगा नहीं होगा। पहले दोस्तों क्या होता था, कुछ जब कोरोना वायरस नहीं था, जब एक बार डेट आ जाती थी तो हमें तैयारी करनी ही पड़ती थी कि यार इस डेट को पेपर होगा, लेकिन इस बीच में आपने देखा कितनी बार परीक्षा की नई तारीख जारी हुई उसके बाद पेपर कैंसिल हुआ, तो काफी दोस्तों दिक्कतें हुई। और देखिए आगे के अपडेट में क्या लिखा है, पत्र लिखने वाले मोर्चों के अध्यक्ष, ठीक है, मोर्चा के अध्यक्ष मतलब कौशल सिंह का कहना है कि बीईओ प्री परीक्षा 16 अगस्त को है, इसमें 205 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है, होटल व धर्मशाला बंद है, हर केंद्र में सैकड़ों अभ्यर्थियों का जमघट होगा, ऐसे में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शारीरिक दूरी का मतलब मानक का पालन करना संभव नहीं होगा, साथ ही यात्रा के दौरान भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज के डेट में बस इतना कहेंगे कि आप जितना हो सके अधिक से अधिक कोरोना से आप बच के रहिए, दूरी बना के रखिए, क्योंकि अगर आपको एक बार कोरोना हो गया तो भले आपको बहुत ही हल्का कोरोना हो और आप उससे दोस्तों हम कह रहे हैं एक ही घंटे में रिकवर्ड हो जाए, लेकिन वो कोरोना आप एक घंटे में जिससे भी मिले होंगे वो कोरोना आप उसको दे आएंगे, मतलब तो वही बात है ना कि अगर आपको कोरोना होता तो उसके बाद आपका पूरा परिवार खतरे में हो सकता है। कोरोना वायरस सबके लिए खतरनाक नहीं है, फिर से हम एक बात कहेंगे कि ऐसा नहीं कोरोना आपको होगा तो दिक्कत होगी, वैसे अगर आप लोग ठीक ठाक होंगे, आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया होगा तो कोरोना आएगा और निकल जाएगा। फिलहाल देखिए ये सब चीज़ें हैं, तो बस इतना ही कहेंगे आज की डेट में कि जो आपका पेपर है वो 9 तारीख को होने वाला है। परीक्षा रद्द होने की जितनी भी मुहिम थी सोशल मीडिया पर, आवाज़ दोस्तों सभी छात्रों ने मिलकर उठाई, लेकिन अब मुहिम आपकी फेल नज़र होते हुए मतलब नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों जब हमारे देश में हेडलाइन थी छात्रों की मतलब आवाज़ ही नहीं बनेगी, मतलब यार एक खबर भी मतलब बीएड मुद्दे पर नहीं थी। सोचिए दोस्तों, आप यहाँ पर पूरी अपडेट्स में हमने आपको दिखाया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर दोस्तों आपकी बात भी मीडिया पर अच्छे से उठाई जाती ना तो शायद हो सकता था कि आज कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। आप देख रहे हैं
आपके सामने हमने सोचा दोस्त आपको दिखा भी दिया जाए कि हो क्या रहा, रियलिटी में क्या है, और आप सोचते हैं नहीं यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है देश में, तो ये सब चीजें आपके सामने हैं। तो कहीं पर भी दोस्तों बीएड मुद्दा को नहीं उठाया गया, तो इसीलिए कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर दोस्तों आपको एक्टिव रहना चाहिए और अपनी बात को खुद रखना पड़ेगा। वो समय गया कि जब ऐसा होता था वैसा होता था, तो आज समय बदल रहा है, तो समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। फिलहाल जिन बच्चों का सेंटर घर से काफ़ी दूर है, तो आप उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि सेंटर पर हम पहुँचेंगे कैसे। पेपर छोड़ना कोई विकल्प नहीं होगा, ठीक है। और हम आपसे ये कहेंगे कि दोस्तों जो निजी यातायात मतलब घर के मतलब साधन है वो बेहतर होगा, और आप लोग कभी भी ट्रेवल्स की गाड़ियों का यूज कम से कम करें तो भी बढ़िया है, क्योंकि इस समय आपको पता है ना कि बस से जाना ऑटो से जाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। बाकी सेंटर पर तो वहाँ पर चलिए ठीक है, व्यवस्थाएं मान सकते हैं पूरी होंगी, खाली जो रास्ते में आने जाने की बात होगी उसमें दिक्कत आएगी, नहीं तो बाकी सब कुछ ठीक रहने वाला है। तैयारियां दोस्तों अच्छी होंगी सरकार की तरफ से, और बोला गया है कि जब कि एक क्लासरूम में ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे तो फिर उतना तो चलता है ना, कि आजकल लोग ऐसे भी मार्केट जाते हैं पानी पूरी गोलगप्पे तो खा पी रहे ना आप लोग, तो नहीं कोरोना फैल रहा है तो वहाँ भी कोरोना नहीं फैलेगा, बस आपको दूरी बना के रखनी है। दिक्कत वही होगी जो सेंटर में दोस्तों आपको मेन यात्रा करना है, खाली यात्रा में ज़्यादा खतरा है, बाकी सब ठीक ठीक रहेगा। चलिए मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक लिस्ट कनेक्टेड। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और बता दीजिएगा कि परीक्षा अब आपकी रद्द नहीं होगी, 9 तारीख को पेपर होना था 9 तारीख को पेपर होगा, ठीक है, पेपर कैंसिल नहीं होगा, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सरकार ने पूरा मूड बना लिया है कि अब आपका परीक्षा जो होनी है बीएड वाला वो 9 को ही होगी। तो बिल्कुल भी मतलब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है 1% भी कि आप ये सोच रहे हो यार कि अभी भी परीक्षा रद्द हो सकती, तो ऐसा नहीं होगा, बस अब आप इस तैयारी में लगिए कि आपको 9 तारीख को सेंटर तक पहुँचना कैसे है। बाकी इनकेस अगर पेपर रद्द होगा तो उसके अपडेट भी हम आपको सबसे पहले देंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि आपकी बात पहुंचे सरकार तक, हो सकता है कि इस बार बात नहीं पहुंच पाई हो या कुछ बात और रहा हो, तो हमने आपको दोस्तों अपडेट्स भी दिखाया। देखिए दोस्तों हमारे देश में जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए वो कोरोना वायरस ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या तैयारियाँ सरकार की, कैसे दोस्तों निपटा जा रहा है, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस में होम आइसोलेशन कोई विकल्प हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस होने पर आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन का आप परमानेंट ख्याल रखिएगा, अगर हल्की सी भी ऑक्सीजन कम हो शरीर में तो ऑक्सीजन आप तक पहुंचा दी जाए, फिर सब कुछ ठीक रहेगा ना। जैसे अगर आप लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अगर दोस्तों गाड़ी में आपके पेट्रोल ही नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी, वैसे दोस्तों हमारा शरीर है, शरीर में ऑक्सीजन नहीं तो हमारा शरीर कैसे चलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।